आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप गूगल से इमेज किस तरीके से डाउनलोड करके वो भी बिना कॉपीराइट वाली अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, जिससे कोई भी कॉपीराइट आपकी वीडियो में नहीं आएगा। अगर आप थंबनेल में भी यूज़ करेंगे तो भी आपको कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि आप कोई भी इमेज को डाउनलोड करेंगे वो भी बिना कॉपीराइट वाली, किस तरीके से उसको पहचानेंगे ये कॉपीराइट वाली है या इमेज आपकी कॉपीराइट वाली नहीं। क्योंकि होता क्या अक्सर है कि हम इमेज डाउनलोड कर देते हैं और अपनी वीडियो में यूज़ कर लेते हैं, पर हमको डर ये लगा रहता है कि हमने जो इमेज अपने थंबनेल में और अपनी वीडियो में यूज़ की है उस पर कॉपीराइट ना आ जाए। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, जिसमें आप सीख सकें किस तरीके से आप इमेज को डाउनलोड करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और रोज़ डेली इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, रोज़ एक वीडियो देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मनोज दे लिख के। अब यहाँ से इनकी कोई भी फ़ोटो आप चूज़ करेंगे, जैसे कि मैं ये एक फ़ोटो ले लेता हूँ जिस पर बहुत सी कम MB की है, कोई भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये वाली फ़ोटो, काफ़ी स्मार्ट भैया जी लग रहे हैं, और यहाँ से कट कर देता हूँ। अगर मैं इनकी फ़ोटो अपने यूज़ करूँगा तो कॉपीराइट आ सकता है। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर, सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ टूल्स और यूजर्स राइट्स। यहाँ पर मेन पॉइंट यहीं पर हैं, ध्यान से वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, इस वाले पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखो, आप जितनी भी ये इमेज नीचे आई हैं, ये अगर आप इमेज यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट बिल्कुल नहीं आएगा। मनोज दे का आप लिख के, तो उस पर हो सकता है ना आए, डाउटिंग अभी ये प्रोसेसिंग में होगा, ठीक है। बट ये वाली अगर यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट बिल्कुल ही नहीं आना है। अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हम आल कर देते हैं, आल पर इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी मनोज दे की एक फ़ोटो ले लेंगे जो हम को अच्छी लग रही होगी अपनी वीडियो में लगाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से नाम चेंज करके दूसरा डाल के देखते हैं, ये जैसे कि हमको डालना है और कोई भी नाम डाल लेते हैं अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे वो आप नाम डाल लेंगे। आपको इसका फ़ोटो आपको यूज़ करना हो वीडियो में या आपके थंबनेल में, ये लिया अजय, और यहाँ पर टूल्स पर और राइट्स पर गए और क्रिएटिव कॉमन्स, ठीक है। अब ये जितनी भी आ गई हैं इनकी फ़ोटो, ये बिना कॉपीराइट वाली हैं। आप कोई भी इमेज इसमें लेके अपनी वीडियो या थंबनेल में इसे यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बिना कॉपीराइट वाली, ठीक है। सारी वीडियो स्क्रॉल करेंगे, देख लेंगे, कोई भी आप जो वीडियो लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं और अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। इतना हो गया, जैसे कि कोई भी आप, अब डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी जो फ़ोटो लेना है और हल्का सा लोडिंग लेके ये आ जाएगी फ़ोटो। अब इसी पर राइट क्लिक कर देंगे, सबसे नीचे आएंगे, सेव इमेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, आपकी इमेज सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वीडियो में और थंबनेल में अपनी बिना कॉपीराइट वाली इमेज यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब कभी कभी होता क्या है कि हमको पता नहीं चलता है कि कौन सी हमको लेना वो है, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि हमको जैसे कि लोगो लगा हो या एक्स्ट्रा पार्ट हो वो हम कट कर देंगे, जिससे कॉपीराइट नहीं आता है। अब जैसे हमने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया और हमने कुछ इमेज अपने वीडियो के लिए लिए थे डाउनलोड करके, जैसे कि ये इमेज, अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके दिखाते हैं, ये वाला राइट में देखो, ये चीज़ ये दी हुई है, ये हमको क्रॉप कर देना है जिससे कॉपीराइट नहीं आए। अब हम अपने फ़ोटोशॉप में जाएंगे और उस फोटो को क्रॉप कर लेंगे, क्योंकि अब उसकी जो साइज़ था और उसका जो एरिया था
वो हमने क्रॉप करके अपना कुछ इस पर लगा दिया है। ठीक ऐसे ही सारे फ़ोटो हम क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर लेंगे। जैसे इस पर देखो यहाँ पर दो, यहाँ पर छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं, इनको करके एक कर देंगे ये देखो, और सेव कर देंगे। इससे आपका कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि होता क्या है हमने गूगल से डाउनलोड की और डायरेक्ट ऐसे ही हम अपनी वीडियो या थंबनेल में लगा दिए, तो उससे कॉपीराइट तुरंत आ जाता है। तो कॉपीराइट से बचने के लिए आप कुछ उसमें अपना ऐड ज़रूर करना आपको है, या आपको उसको कुछ एडिट ज़रूर करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट हमने गूगल से उठाई इमेज और डायरेक्ट हम वीडियो अपनी वीडियो में या फिर अपने थंबनेल में लगा दिए, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, वरना कॉपीराइट 100% आ जाएगा। ठीक, तो आप कुछ अपना एडिट करेंगे, लोगो हो या कोई भी उसका नाम हो, उसको क्रॉप कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।